प्रिय विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष जैन विद्या जीवन विज्ञान और योग विषय के अंतर्गत पहला प्रश्न पत्र है जैन तत्व मीमांसा और आचार मीमांसा। हमारा टॉपिक चल रहा है जैन भारतीय दर्शन में सत पर, हमने चर्चा किया। आज हम जैन दर्शन में सत पर विचार करेंगे। आचार्य उमा स्वाति ने सत को परिभाषित करते हुए कहा, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, यत सत तत द्रव्यम, गुण पर्याय युत द्रव्यम। यानी सत उत्पाद व्यय द्रव्य से युक्त है, जो सत है वही द्रव्य है, जो द्रव्य है वही सत है। यानी द्रव्य वह है जो गुण और पर्याय से युक्त है, गुण पर्याय युत द्रव्यम। सत्य के संदर्भ में दो अवधारणाएं सामने आती हैं। पहली है सत उत्पाद व्यय द्रव्य युक्त है, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। दूसरी अवधारणा है सत गुण पर्याय युक्त है, गुण पर्याय युक्तम सत। इन दोनों अवधारणाओं में मात्र शब्द भेद है, तात्पर्यार्थ में कोई अंतर नहीं है। उत्पाद व्यय के स्थान पर गुण और पर्याय तथा द्रव्य के स्थान पर द्रव्य शब्द का प्रयोग हुआ है। उत्पाद व्यय परिवर्तन के, अनित्यता के द्योतक हैं और द्रव्य नित्यता का बोधक है। उसी प्रकार पर्याय अनित्यता का तथा द्रव्य नित्यता का सूचक है। जैन दर्शन में उत्पाद व्यय और द्रव्य ये तीनों युगपद घटित होते हैं, यही जैन दर्शन की विशेषता है। जैन दर्शन का सत परिवर्तनशील भी है और अपरिवर्तनशील भी है, ये दोनों साथ रहते हैं। साथ रह करके ही सत को पूर्णता देते हैं। केवल परिवर्तन से पूर्णता नहीं मिलती और केवल अपरिवर्तन से पूर्णता नहीं मिलती। केवल अपरिवर्तन हो, केवल स्थिर हो तो विकास ही अवरुद्ध हो जाता है, और केवल परिवर्तन को ही प्रमुखता दिया जाए तो फिर स्थिरता का आधार, विकास का आधार ही धराशायी हो जाता है। इस प्रकार जैन दर्शन केवल उत्पाद, केवल व्यय या केवल द्रव्य सत का लक्षण नहीं बताता। यानी सत वह है जो उत्पाद व्यय और द्रव्य से युक्त है, यानी परिवर्तन और अपरिवर्तन से जो युक्त है वह सत है। जो सत है वही तत्व है, द्रव्य है, पदार्थ है, तत्वार्थ है। अब प्रश्न ये हो सकता है कि तीनों उत्पाद व्यय और द्रव्य की एक साथ संगति कैसे बनती है, एक ही पदार्थ में ये तीनों रहते कैसे हैं जबकि ये विरोधी हैं, विरोधी प्रतीत होते हैं, विरोधी है नहीं। इसका समाधान यही है कि ऊपर ऊपर देखने में ये लगते हैं इनमें विसंगति है, विरोधी है, पर सच्चाई ये है कि इनके बिना किसी भी पदार्थ की, सत्य की पूर्णता ही नहीं हो सकती। जैसे उदाहरण के लिए, उदाहरण से बहुत अच्छा से समझ सकते हैं, सोने से कंगन, अंगूठी आदि अनेक आभूषण बनाए जाते हैं। सोने को तोड़ करके अंगूठी बनाई जाती है, अंगूठी का उत्पाद होता है और कंगन का व्यय होता है। सोने के कंगन तोड़ करके अंगूठी बनाई जाती है, अंगूठी का उत्पाद हुआ और कंगन का व्यय हुआ। दो पदार्थ, सत्य के दो लक्षण हमें साफ साफ दिख रहे हैं, उत्पाद और व्यय हुआ। कंगन से अंगूठी बनाई गई, एक का उत्पाद हुआ और दूसरे का व्यय हुआ। कंगन का व्यय हुआ और अंगूठी का उत्पाद हुआ। उसी समय हमें ये भी देखना चाहिए कि सोना दोनों स्थितियों में समान रूप में मौजूद है, यह ध्रुवता है। द्रव्य पदार्थ में द्रव्यता जो है वह
सोने के रूप में, स्वर्णत्व के रूप में, दोनों स्थानों पर समान रूप में विद्यमान है। यानी कंगन, अंगूठी आदि अनेक पर्यायों से गुजरता हुआ सोना स्वर्णत्व द्रव्य में सदा स्थिर रहता है। इस उदाहरण से स्पष्ट प्रतीत होता है कि पदार्थ में उत्पाद, व्यय और द्रव्य तीनों साथ साथ रहते हैं। ये विरोधी प्रतीत होते हैं किंतु अविरोधी जैसा ये साथ साथ ही रहते हैं। ये साथ साथ रहे हैं तभी द्रव्य का, तत्व का, पदार्थ का अस्तित्व है। महावीर ने त्रिपुटी का सिद्धांत दिया है, त्रिपुटी की प्ररूपना किया है, उपनेयी वा विगमेयी वा ध्रुवेयी वा, सत उत्पन्न भी होता है, नष्ट भी होता है और ध्रुव भी रहता है। इस तरह उत्पाद, व्यय और द्रव्य में अविनाभाव का संबंध है। ये जैन दर्शन अनेक एकांतवादी नहीं, अनेकांतवादी है। अनेकांतवाद तभी घटित होता है जब विरोधी पदार्थ अविरोधी रूप में साथ साथ रहते हैं। यदि साथ साथ नहीं रहे तो अनेकांतवाद घटित भी नहीं होता। ये सत्य का जो स्वरूप है यही अनेकांतवाद का आधार है। प्रत्येक वस्तु में दो अंश होते हैं, एक अंश तो तीनों कालों में शाश्वत रहता है और दूसरा अंश सदा बदलता रहता है। इन दोनों अंशों को स्वीकार करना चाहिए, न कि किसी एक अंश को। यदि एक अंश को हम स्वीकार करते हैं, पदार्थ में एक ही अंश है, केवल नित्यता ही है या केवल अनित्यता ही है, तो वह हमारा कथन पूर्वाग्रह से युक्त होता है, एकांतवादी दृष्टिकोण होता है। जब हम दोनों को स्वीकार करते हैं, नित्यता और अनित्यता दोनों पदार्थ में समान रूप में रहते हैं, साथ साथ रहते हैं, तब उसको हम अनेकांतवाद कहते हैं। और यही अनेकांतवाद का दृष्टिकोण जैन दर्शन का है। इस प्रकार सत्य के स्वरूप जैन दर्शन के संदर्भ में आज हमने पूरा किया। कल हम देखेंगे सत्य के प्रकार, सत्य के कितने प्रकार हैं, ये कल हम विचार करेंगे।